वेलकम बैक टू जागो दुनिया, मैं हूं फारूक हसन। मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर जमीर एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉप स्टार्स, सुपरस्टार, सिंगर शहजाद रॉय विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि हम बातचीत करें, एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, पैकेज वापस आते हैं, शहजाद से ढेर सारी बातें करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो। पुरकशिश शख्सियत और खूबसूरत आवाज के मालिक शहजाद रॉय ने अपने करियर का आगाज 1995 में एल्बम जिंदगी से किया। शहजाद रॉय ने अब तक कई बेहतरीन एल्बम्स बनाई जिन्हें आवाम में बेहद सराहा गया। इनकी एल्बम्स में जिंदगी, तेरी सूरत और किस्मत अपने हाथ में जैसी एल्बम्स शामिल है। तेरी सूरत, तेरा मुखड़ा हसीन, क्या यही थी तेरी दोस्ती, लगा रहे, कंगना, आग और हम एक हैं का शुमार उन गानों में होता है जिन्हें शायकीन ने बेहद पसंद किया। अपने इस सफर में शहजाद रॉय ने न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी अपनी आवाज का जादू जगाया। म्यूजिक के अलावा शहजाद रॉय फलाही कामों में भी पेश पेश रहे जिसका मुंह बोलता सबूत जिंदगी ट्रस्ट है। इनकी फन मौसीकी के लिए खिदमात के एतराफ में इन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया और इस तरह वो ये एजाज रखने वाले कम उम्र तरीन गुलूकार हैं। इसके अलावा उन्हें समाजी काम करने पर सितारा इसार से भी नवाजा गया। आइए मिलते हैं शहजाद रॉय से। एक बार कह दो तुम्हें प्यार है ना, झूठा ही सही। शहजाद रॉय वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू रिसीव तमगा इम्तियाज, सितारा एसआर भी हासिल कर चुके हैं। इतना जबरदस्त एक म्यूजिकल करियर के साथ साथ इसने जो इतना जबरदस्त इनिशिएटिव सोशल वर्क का शुरू किया, स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर में, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? जी शहजाद, इंस्पिरेशन बहुत सारे रीजन जमा होते हैं फिर आप इस तरह की कोई चीज करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि एक दफा एक चीज देखी और आप शुरू कर दें, या आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस पूरा इवॉल्व करता है। बट ये जो क्लास डिफरेंस है इसने मुझे हमेशा बहुत तंग किया है बचपन से लेकर आज तक, जो हैव और हैव नॉट्स का चक्कर जो है। तो मैं छोटा था तो अपने अबू से अक्सर मैंने हम पूछते, मेरी आदत थी हर दफा पूछने की, जब कोई कहता था ना कि ये किसने बनाया है, सही सही, ये किसने बनाया है, ये घर किसने बनाया है, ये बिल्डिंग किसने बनाई है, तो मैं कहता था, हम पूछते थे, वो कहते नहीं बेटा हमने बनाई है, तो मैं कहता था नहीं आपने, ये मजदूर ने बनाई है, आपने बनवाई है, मजदूर ने ब्रेक रखा है, तो वो कहाँ रहता है? तो वो झोंपड़ी में रहता है। मैं हम जस्ट सेइंग कि जितना कुछ ही हम देखते हैं, ये स्टूडियो बना हुआ है, ये चीजें बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, इसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं है जिन्होंने बनाया है। उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलती, हेल्थ केयर भी नहीं मिलता। और देखें, हेल्थ केयर अगर एक एक बंदा अगर मर जाता है ना गलत दवाई से, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म होता है। बट जब गलत एजुकेशन आप एक जनरेशन को देते हैं ना, पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीजन है जो मुझे, तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ट्रस्ट की तरफ में आया। पहले जितने भी हमारे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं, जो इमरान खान साहब हैं, इदी साहब है, खान साहब से तो वैसे ही बहुत प्यार है, तो उनको देखते रहते थे, उनकी हेल्प करते रहते थे अपनी कैपेसिटी में, कॉन्सर्ट कर दिया, फंड रेजिंग के लिए। उसके बाद जब एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया तो मैंने कहा एक अम्ब्रेला के तहत लोगों को जमा करके मैं स्टार्ट करता हूँ ये, और फिर करते करते आज ये इंस्टीट्यूशन SMB फातिमा जना जो गवर्नमेंट स्कूल है। बिकॉज मैंने सोचा कि जब तक स्टेट का स्कूल ठीक नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक नहीं होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसके अंदर कितने स्कूल्स हैं शहजाद? हमने एक गवर्नमेंट स्कूल अभी मॉडल बनाया। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं कल एक डिटेल्ड विजिट करके आया, इसके स्कूल में गया था और शहजाद की इन्विटेशन पे, तो मैं जब एंटर हुआ तो मुझे यही जहन में था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो तो एक बड़ा प्राइवेट इदारा मुझे लग रहा था, जिस तरह मतलब जो प्राइवेट स्कूल है ना आजकल के बड़े जदीद किस्म के, साफ सुथरा, फिर अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, बच्चों का प्ले रूम भी है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो शहजाद, मैंने पूरा टूर किया और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा शहजाद, ये आर यू श्योर के गवर्नमेंट स्कूल? उसने कहा कि यार ये पायलट हमने बनाया है और ये एक किस्म का प्रोटोटाइप है, और मेरी ख्वाहिश है कि रिपीट हो। हम आपको छोटी सी फुटेज दिखाते हैं बिफोर और आफ्टर की, के जो वो उस स्कूल की हालत क्या थी, सरकारी स्कूल है,
और अब उस स्कूल की हालत क्या, शहजाद आपको मैं चाहूंगा साथ साथ आप ब्रीफ भी करते हैं जी, अगर हम फुटेज प्ले कर सकें तो। ऑब्वियसली एक तो सिविल वर्क्स के अंदर हमने काम किया कि पहले इस तरह का दिखता था, फिर बाद में रोड्स वगैरह बन गए, उधर पेवमेंट बन गया, पार्किंग लॉट बन गया, गार्ड रूम बन गया, मतलब एक इंप्रेशन चेंज करने के एस्थेटिकली वहां पर कोई ये जैसे अंदर का लुक है, फिर यहाँ पर हमने सारा ये वही लुक अंदर वाला चेंज हो गया। एक्सेलेंट, अच्छा मतलब पहले ये था जी, अब इसके बाद अब ये जो है ये आप मेन एंट्रेंस हमने चेंज कर दिया यहाँ से, अब जो आप पिक्चर देखेंगे वहां से स्कूल शुरू होता है, ये तो सारा बाहर का था, ये देखें कुत्ते फिर रहे होते थे स्कूल के अंदर और मैंने इट वाज इन अ बैड शेप। मैं जब आप फुटेज देख लें तो फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। मैं इनकी जो प्रिंसिपल थी, जब मैं सबसे पहले उनके पास गया, मैंने कहा हम गवर्नमेंट स्कूल को बदलना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इंस्टीट्यूशन तो आप बना देंगे, आप सबसे पहले अगर यहाँ से कुत्तों को निकाल दें। तो मैंने समझा ये कुत्तों की क्यों बात कर रही है, काफी दफा मैं बता भी चुका हूँ पहले। तो हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शादी होती थी ग्राउंड के अंदर, तो और साफ करने वाला स्टाफ होता नहीं था तो कुत्ते आ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि शादी बंद कराना ज्यादा जरूरी है कुत्तों को निकालने से पहले। टेल मी वन थिंग, इस प्रोजेक्ट के चेक एंड बैलेंस के लिए आप क्या कुछ करें? ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ लोग भी चाहिए होंगे जिनके साथ आप काम कर सको। असल में आपको बताता हूँ, मैं तो एक तो फेस हूँ, मशहूर हूँ तो लोगों को नजर आता हूँ। असल में ये टीम के लोग हैं जिन्होंने ये किया, एंड दे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मैं उनको समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो असल में तो सारी मैंने तो पोलिटिकल लड़ाई लड़ी, मैंने कहा यहाँ पर शादी नहीं होगी, फंड रेजिंग की किताबें चेंज करने की जब बात आई, 60 इयर्स में पहली दफा यहाँ पर किताब बदली, आप 63 इयर्स में पाकिस्तान की स्कूल की फुटेज भी चला रहे हैं जी, लाइब्रेरी ये जिसका जिक्र अभी कर रहे थे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट वी हैव ओवर देयर इस सिस्टम को रन करने के लिए, और अब इसको रेप्लीकेट करने के लिए और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कि बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कैसे ये रेप्लीकेट होगा। सारी अभी बहस हमारी ये चल रही है कि एक के बदलने के बाद बाकी ये तो इंस्टीट्यूशन बन चुका हुआ है, अब इसको रेप्लिकेट कैसे करना है, इस पर सबसे बड़ी हमारी जांग है। अच्छा ये जो कॉस्मेटिक चेंज जो था वो उस बिल्डिंग का जो आपने देखी हुई जिसका गेट देखा और कुत्ते घूम रहे हैं क्लासरूम में, वो चेंज करने में 3.5 करोड़ का खर्चा आया और अब मंथली 7 लाख के रनिंग एक्सपेंसेस हैं जो शहजाद अपने कॉन्सर्ट्स के जरिए जो फंड रेजिंग करते हैं अमेरिका में या यूरोप में जाके, और ये टीचर्स वगैरह जो है उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, एक बहुत जबरदस्त मल्टीमीडिया रूम है जहाँ पे बड़ी थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस दिखाई जाती हैं और गेस्ट स्पीकर सेशन होते हैं, मतलब इट्स अ होल न्यू कॉन्सेप्ट। और जिस तरह यूरोप वगैरह में ये वाला रूम है जिसकी मैं ऑडियो वीडियो रूम की मैं बात कर रहा था, जिस तरह यूरोप में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, मैं बिल्कुल मुझे लगा कि ये एक प्राइवेट स्कूल इदारा है और बड़ी अच्छी सिस्टम है। इसने जब मुझे कहा कि गवर्नमेंट का है और वही टीचर्स करा, इसको देख के कोई मान ही नहीं सकता कि ये गवर्नमेंट है ना, मतलब कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। मैं एक और आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, हम वहां पर बच्चों को एक चीज पर फोकस करने के लिए या जो तरीका है पढ़ाने का, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। हमारे स्कूल के अंदर बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि मुल्तान कितना दूर है, अगर हम पूछेंगे मुल्तान कितना दूर है तो लिखा हुआ था 2000 किलोमीटर दूर है, तो वो कहता रहता है मुल्तान 2000 किलोमीटर दूर है, 2000 कितना है। तो हम कहते हैं कि बच्चे के ये पूछने की बजाय आप ये पूछें जब तुम घर से चल कर आते हो तो तुमने रास्ते में क्या देखा, तो बच्चा फौरन सोचता है मैंने घोड़े वाला देखा, एक बैंक देखा। दिमाग यूज करने का जो प्रोसेस होता है ट्रिगर करने का, ये हमने चेंज किया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खवादीन आजाद शहजाद यहीं पे मौजूद है, स्टे ट्यून्ड, जागो दुनिया। Oh,